आज हम टेक्सला में और दम पोख्त खाने का प्रोग्राम है, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम सारा प्रोसीजर इसका देखा है बनते हुए, और फिर इंशाल्लाह ये सारा जब निकलेगा तो वो भी आपको दिखाएंगे इसके बनने का प्रोसेस। ये कितना है साइज और कितने बंदों पे पूरा होता है? ये 12 किलो होता है और 18 बंदों को पूरा होगा। ये 12 किलो का है, ये पूरा सालम पकेगा। अच्छा, और इसका स्पेशल प्रॉपर तरीके से तंदूर है, वो तंदूर में ये पकेगा और ये 4 से 5 घंटे तक टाइम लेगा, इतने देर में ये तैयार हो जाएगा। तो इसको ये पूरा ऊपर से बांधा किस वजह से? जी, ये इसलिए बांध है ना, ये जब तैयार हो जाएगा ये फिर गिर जाते हैं। अच्छा, तंदूर में, तो इसलिए ये बांध हुए, ये ऐसा धागे से बांध हुए, ये धागा नहीं सड़ेगा। सही, ये आग से, ये धागा जो है ना, धागा गलता नहीं है, नहीं। और इस वजह से बांधा है कि अदरवाइज ये होता है कि ये बिल्कुल गल जाता है ना, फिर गिर जाता है, तो इसी तरह से ये निकलेगा। ये इसको सेफ रखने के लिए ऊपर धागे से बांधे और धागा, और ये जो नीचे ये लगाए हैं, ये जो लगाए हुए हैं इसका, ये कोड़े जो है ना नीचे आग में लगा होगा तो ये सड़ेगा। अच्छा, ये साबुत रह जाएगा। अगर ये जो है ना, ये कोयलों के अंदर होता है और ये जल जाता है, तो इस वजह से इस पे लगाया कि ये जले ना, जले ना। तो इसके पेट के अंदर चावल भरे हुए हैं, अभी आपको दिखाएंगे कि वो भी कैसे भरते हैं। और ये बड़ी टेस्टी डिश होती है, स्पेशल चीज़ है, टाइम ज़्यादा लगता है, 5-1 घंटे इसको जो है ना वो तंदूर के अंदर रखेंगे तब ये तैयार होगा। बस उस चावल और वाला बस लग ब्रेक वाला देखिए ना, बड़ा उस चावल और अच्छी उस वरवा जो पार्ट पता जमा। हां, ये चावल प्रॉपर पूरे बने हुए हैं? हाँ, बने हुए हैं। अच्छा, तैयार चावल डालते हैं? तैयार चावल, इसको दम लग जाएगा अंदर। अच्छा, और ये चीज है, ये अभी अभी कितना, ये कितना वेट, कितना है इसका वेट, इसका कितना है वेट, वेट वेट वजन, वजन इसका 12 किलो वजन है। 12 किलो हाँ जी, ये पूरा सालम दम पुख्ता है। अच्छा, और इसमें 5 से 6 घंटे तक टाइम लगेगा तंदूर में, ये तैयार होगा। और इनके लिए हमने बेहतरीन तंदूर बनाए हुए हैं, ऊपर मिट्टी लगाते हैं, ऊपर कोयला लगाते हैं, और बनाने के बाद जो है ना ये फिर तैयार करके जो है ना दे दे। ये इसमें ये बता रहे हैं कि ये 12 किलो का है, ये और ये तकरीबन ये 15 बंदों के लिए काफ़ी होता है, काफ़ी हो जाएगा। और ये जो है ना, ये 10 किलो है। ठीक, इसके अंदर ये सुराख करके इसमें मसाला डाला है। हाँ, और उसके अलावा चावल इसमें पका के डाले हुए। मैं ये समझता था कि शायद इसमें जो चावल है ना वो नहीं, सर इसके अंदर पानी नहीं रुकते हैं। हाँ, तो पानी का मसला हो गया सर, मैं उबले हुए नहीं है। और ये मसाला किस चीज़ से तैयार करते हैं, इसका भी थोड़ा आपने बताना है, मसाले में क्या क्या डालते हैं? ये जो है ना, बस अदरक लहसुन सबज मिर्च और नींबू वगैरह, और लाल मिर्च, और सही है। तो आपने कल ये कहा था कि दुम्बा सही रहता है बकरे की निस्बत ना, क्योंकि उसके अंदर ये ज़बरदस्त आएगा, लेकिन ये भी बकरे के डिज़ाइन वाले, लेकिन है ये कुचल वाले। अच्छा, तो इसकी लॉट किधर है पीछे? इसके लॉट वाली, ये कुचल वाले हैं। अच्छा, कुचल वाला। हाँ, सही है। ये इनका कहना था कि बकरे की बजाय दुम्बा सही रहता है, क्योंकि इसके अंदर चर्बी होती है और फिर चावलों में ज़रा रस बन जाता है, और बकरा हो तो वो ज़रा खुश सा बन जाता है। ये प्रॉपर इसको पूरा बांध के तो फिर इसको तंदूर में अभी रखेंगे। मिसाले का ये अवॉइड कर रहे थे सारा बताना ऑन एयर के भाई चीज़ आउट हो जाती है। कोई बात नहीं है, ये आपकी मशहूरी है। जितना गुड़ डालो उतना मीठा हो जाता है। हाँ, ये पूरे देखा है, सिलाई हो रही है जी।
वैसे तो ये कवर्ड है, बंद है, फिर इतनी सिलाई क्यों करते हैं? ये सर जी जब ज्यादा गल जाते हैं फिर ये गिरते, अगर ये नहीं बंद, अगर बंद अच्छा, नहीं फिर अच्छा। निकालेगा तो फिर सख्त होगा। सही सही सही, जितने भी गलेगा तो ये गिरेगा नहीं। अच्छा, ये अब बांधा इसलिए है कि ये फिर गिर ना जाए, अदरवाइज जितना गलता है ना तो वो चावल भी गिर जाते हैं और पेट इसका फट जाता है, यानी पेट फट जाता है। ये देखो मुकम्मल बंद। अच्छा, जाल बना दे इसका। ये पूरी नेट बन रही है ताकि ये गिरे ना। हाँ। और ये आपने देखा ना, इसमें प्रॉपर सुराख करके सही मसाला फिल किया हुआ है। अच्छा, ये फॉइल क्यों लगा रहे हैं सर जी? ये फॉइल इसलिए लगा दे कि ये घोड़ा होता है ना सर जी। अच्छा, ये फॉइल के अंदर ये बिल्कुल नरम हो जाता है, अगर ऐसे ही ऐड देंगे ये खाने के काबिल नहीं होता है, इस वजह से ये फॉइल लगा दे। इसकी वजह से नरम हो जाती है, हड्डी भी गल जाती है, हड्डी भी गल, इसको हीट ज्यादा मिलती है, इसका घोड़ा है ना, लेकिन हाँ ये फिर बिल्कुल तकरीबन सारा गल जाता है एक जैसा, सस्त ये सब फिर खाने के काबिल होता है। अच्छा, ये जब लकड़ियाँ पूरी जल जाएंगी और उसके बाद जब लगाएंगे चिंगारियाँ बांधेंगी उसके बाद इसमें डालेंगे, नहीं तो फिर धुआं पड़ जाता है, तंदूर गरम है। हाँ, प्रॉपर ये गरम हो जाएगा, इसके बाद फिर इसको फुल कवर कर देंगे। ये अभी पूरी जली नहीं थी इसलिए निकाल दिया। हाँ, नहीं तो निकाल जाता है। हाँ, ताकि धुआं ना हो बीच में। ये बंद कर दिया कि उधर का लगा बाप खुद पे सर किया। अच्छा, आपको का खटरा दिशा बा कर दूं। हाँ, कर दे। ना। ये 5 घंटे पूरे हो गए, 5 ही हो गए, 4 नहीं, 4 से ज्यादा हो गया ना। अभी हो गया है तकरीबन 4.5 घंटे। वो भी गिरा लगा।
चावल निकालने का तक मुस्तफा साहब कैसा टेस्ट है चेक किए चेक के बताते हैं आप जैसे आप अपना वीडियो बनाते हैं थोड़ी देर ठीक है इधर भी लाना प्लेट है यार चम्मच कैसे यार बोलेंगे कोई ऐसा बताओ ठीक है।